भाजपा राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी तीर्थ सिंह रावत ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हिमाचल में पन्ना प्रमुखों का कार्य नंबर वन रहा है। देश के अन्य राज्यों में भी पन्ना प्रमुखों का कार्य चल रहा है, लेकिन हिमाचल इसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। मार्च माह के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को आमजन तक तथा मतदाताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र व प्रदेश की योजनाओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिससे पन्ना प्रमुख उन्हें आमजन तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ग्रास रूट पर काम कर रही है, जिसके सार्थक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में मोदी ने विकास का परचम लहराकर देश को आगे बढ़ाया है। प्रदेश ने देश के हर चूल्हे तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। रावत ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में 6.5 करोड़ परिवारों को गैस आवंटित की है, 7.5 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण करवाया है और 4.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई है। रावत ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा आरंभ भारत आयुष्मान योजना विश्व की पहली ऐसी योजना है, जिसमें 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस जो डुगडुगी पीट रही है, उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में सबक सिखा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजकल अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, तो उनका ये करना उनके हताशापन और निराशापन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कई बार कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल अब राजनीतिक दलों का हो गया है। जो जिसमें कांग्रेस डुगडुगी पीट रही है, मैं कह सकता हूं कि 2019 का चुनाव, इसमें उनको सब चीजें नजर आ जाएंगी। और आज भी वो परेशान हैं, और मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी ऐसी जो अनर्गल ये सब चीजें वो बोल रहे हैं, रख रहे हैं, तो ये उनका हताशा है, निराशा है। और कई बार कहते ना, खिसाई बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल इन पार्टियों का, कांग्रेस का हो गया है। लेकिन हमारा केवल एक ही मुद्दा, ये अपने साग बचाने में लगी हैं, अपने दलों को बचाने के उसमें लगे हैं। हमारा मुद्दा है मोदी जी का एक ही मुद्दा, सबका साथ सबका विकास। इसलिए देश आगे बढ़ना चाहिए, और उस देश को आगे बढ़ाने का काम यदि कोई कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को दिया है उन्होंने आज 4.5 सालों के अंदर, और 1 वर्ष हिमाचल की सरकार के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा मंत्री भ्रष्ट है और कहीं गलत उसमें फंसा है। हम पाक साफ हैं और सीना तान के आगे बढ़ सकते हैं। सर, 4 सीटों के प्रत्याशी के चेहरे पे क्या बदनाम हो रही है? सर देखिए, ये अभी तो केवल मैंने कहा कि हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारा पन्ना प्रमुख पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, एक एक सीट को जिताना है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है। और जब ये विषय आएगा, ये मैं सोचता हूँ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, ये हमारा नहीं है। सर, कांगड़ा में कब होने जा रहा है पन्ना प्रमुख सम्मेलन? ये 24 फरवरी को कांगड़ा के लोकसभा का भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा, और इसका आज शाम बैठ रहे हैं, स्थान तय हो जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व तो भी कौन रहेगा वो स्पष्ट आगे। सर, पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात भाजपा ने की है, हिमाचल में भी बड़ा काम भी हुआ है, लेकिन बूथ पालक या बूथ स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति और पन्ना प्रमुख भी मजबूत हो, उसके काम हो, सरकार से सेटिस्फाई हो, आप प्रभारी हैं तो इस नाते क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, निश्चित प्रयास हमारा लगातार अभी विस्तारों के साथ में यहाँ बैठक थी, हमारे संगठन मंत्री भी बैठक में थे जी, सारे लोग जिनको जिम्मेदारी है, और उनसे फीडबैक लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि आज जो विस्तारक हर पन्ना प्रमुख घर घर तक जा रहा है, लेकिन उसके पास मैंने कहा कि ये सूचीबद्ध केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी जी ने 4 साल के अंदर जो दी है हम जन को लेकर के, और 1 साल की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की उपलब्धियां, पारदर्शिता और जन कल्याण योजनाएं, वो सूचीबद्ध करते हुए और जा रहे हैं, तो लोग उसको स्वीकारता दे रहे हैं।